अगर दोस्तों आपके पास भी एचपी गैस कनेक्शन है और आप अपने एचपी गैस कनेक्शन की ई केवाईसी घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से आप भी घर बैठे ऑनलाइन एचपी गैस कनेक्शन ई केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एचपी गैस ई केवाईसी ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में myLPG.in साइट को ओपन कर लेना है। इस साइट के ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस की यहाँ पे सिलेंडर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको एचपी गैस कनेक्शन की ई केवाईसी ऑनलाइन करना बता रहे हैं, तो हम एचपी गैस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों हम एचपी गैस सिलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने myHPGas.in साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा हमारे को सबसे ऊपर साइन इन और न्यू यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आपकी यहाँ पर पहले से आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्विक सर्च और नॉर्मल सर्च लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करने के बाद अपने कंज्यूमर नंबर को यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद देखिएगा आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को टाइप करना है और ये कैप्चा कोड को ऊपर टाइप करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड को टाइप करने के बाद अपनी आईडी बना लेना है। आईडी के बना लेने के बाद आपको अब साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और यहाँ पर देखिएगा जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अपने मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सबमिट केवाईसी लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको ई केवाईसी करने के लिए यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पर देखिएगा आधार ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। सबसे नीचे देखिएगा आधार ऑथेंटिकेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिएगा आपको आपके आधार कार्ड के लास्ट के कुछ नंबर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहां पर देखिएगा सबसे ऊपर यहां पे टिक करने के बाद कंसेंट देना है और आपको जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद नीचे जनरेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। आपको ओटीपी को यहाँ पे टाइप करने के बाद ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्राप्त ओटीपी को टाइप करने के बाद ऑथेंटिकेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आधार ऑथेंटिकेशन के नीचे ही ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। अब कुछ सेकंड आपको वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद जैसे दोस्तों आप आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो योर ई केवाईसी इज ऑलरेडी कंप्लीटेड आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से एचपी गैस ई केवाईसी ऑनलाइन इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।